वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपको बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा। इस चैप्टर्स में हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संपदा क्या है, प्राकृतिक संपदा को कैसे हम लोग ठीक है बचाएंगे। एनी थिंग, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 14 है। रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, हमारी जो अर्थ है ये रिसोर्स का क्या है, गोडाउन कहेंगे, भंडार है पूरी तरह से। The natural resources of the earth are air, water, soil, minerals and living organisms. Natural resources जो है वो पृथ्वी पर क्या है भाई, एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनीथिंग और भी है। The outer crust of the earth is the lithosphere. जो हमारी धरती है उसका सबसे बाहर के भाग को लिथोस्फेयर कहा जाता है। द वाटर ऑन द अर्थ इज द हाइड्रोस्फेयर, जल के जो पूरे भाग हैं ठीक है हमारे अर्थ पे, उसे कहा गया हाइड्रोस्फेयर। द लेयर ऑफ द एयर अराउंड इन द अर्थ इज द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर हमारे इस धरती पे जो है उसके चारों तरफ एयर है ठीक है। लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज द एटमोस्फेयर ठीक है। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड वेयर इन द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरैक्ट एंड इट इज द एंड इज द बायोस्फेयर। जब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर तीनों आपस में जब मिक्स होते हैं ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर एक अलग ही मंडल का निर्माण होता है जिसको कहते हैं बायोस्फेयर, जीव मंडल का नाम दिया गया है ठीक है। आप देख पा रहे हैं दिस इज एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। तो अब कंबाइन, जब तीनों का कंबाइन होती है तो यहाँ देखिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्फीयर का निर्माण हो रहा है जिसे कहा गया है बायोस्फीयर। क्या नाम दिया गया उसे, बायोस्फीयर नाम दिया गया है। एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों जब मिलते हैं ठीक है, तो एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर बनता है, जीव मंडल बनती है तीनों के मिलने से, जिस पे ही पॉसिबल है लाइफ ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो कितने तरह के हैं मेनली ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस फॉल अंडर टू मेन कैटेगरीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। द टेबल बिलो विल हेल्प अस द अंडरस्टैंड दिस बेटर। देखो नेचुरल रिसोर्सेस को समझने के लिए ये टेबल बहुत ही अच्छा है, इसीलिए टेबल को आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस कैटेगराइज ऑफ टू कैटेगराइज, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ द टू कैटेगरीज प्लांट एनिमल्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, सॉइल्स एटसेट्रा। तो आपको समझ में आ गई होगी कि नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो दो भागों में मुख्य रूप से बटे हुए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस
ठीक है, या कह सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस में होगा। देखते हैं आगे इसका हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस दैट आर अवेलेबल इन इन्फिनिटी क्वालिटी क्वांटिटी एंड कैन बी यूज रिपीटेडली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कहा गया है वैसा रिसोर्सेस जो अवेलेबल जो है बहुत मात्रा में हो और वह हमेशा रिपीट हो, ठीक है, वह कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल। देखो जंगल में क्या होता है, जंगल कटती है उसके जगह में नए जंगल बनते हैं, ठीक है, पेड़ों को कटती है फिर पेड़ बनते हैं। विंड, हवा हमेशा लगातार क्या हो रही है, ब्लो कर रही है, बह रही है। वाटर एटसेट्रा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस दैट आर लिमिटेड इन अबाउंडेंस ड्यू टू देयर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल एंड हुज अवेलेबिलिटी मे रन आउट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कहा गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस वो एक लिमिटेड अबाउंडेंस में रहता हो, ठीक है, और प्रकृति में फ्यूचर में कभी भी वो खत्म हो सकती है, उसी को कहा गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एग्जांपल इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स जो किरोसिन हो गई, डीजल हो गई, मोबिल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, ठीक है, जो कभी भी खत्म हो सकती है। मिनरल्स, मिनरल्स में जितने टाइप्स ऑफ द मिनरल्स के बारे में आप जानते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयरन, जिंक, ठीक है, एनीथिंग, बहुत सारे हैं, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के ही एग्जांपल में आएंगे। तो साफ शब्दों में कह दिया जाए रिन्यूएबल रिसोर्सेस में वह रिसोर्सेस होना चाहिए जो कि कभी फ्यूचर में ख़त्म ना हो और हमेशा रोटेट हो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो है वह एक बार यूज़ होने के बाद वह फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और उसको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगती हो। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो अब यहाँ पर जो आ गई है आपके सामने क्वेश्चन ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये डिफरेंस है क्या, हम आपको बता देना चाहते हैं। फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और सेकंड पार्ट्स में दिख रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस इट कैन बी रिन्यूएबल एज इट इज अवेलेबल इन इन्फिनिटी क्वांटिटी, ठीक है, यानी यह बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें मिल जाती है, ठीक है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑन्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इट कैनोट बी रिन्यूएबल ड्यू टू लिमिटेड स्टॉक। यह हमारे पास जो होती है एक लिमिटेड स्टॉक में ही होती है जिसका हम बहुत मात्रा में यूज अगर करते हैं तो स्टॉक खत्म हो सकती है। सेकंड पॉइंट, सस्टेनेबल इन नेचर, यह जो होती है एक लिमिटेड स्टॉक है, एक्सहांसबल इन नेचर, और ये भी प्रकृति का ही है लेकिन एक स्टॉकवल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसकी कीमत प्रकृति में जो होती है बहुत ही लो होती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो हाई कॉस्ट एंड लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये पर्यावरण के लिए जो होती है एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होती है, अगर होती है भी है तो बहुत ही लेस अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेनिश क्विकली, ये हमेशा जो है रिप्लेस इसका हो जाता है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस रिप्लेनिश स्लोली और डू नॉट रिप्लेनिश नेचुरल एट ऑल। कहता है रिप्लेस जो होने की जो प्रोसेस है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में वह बहुत ही स्लो होती है, अगर कभी कभी तो ऐसा है कि यह प्रकृति में होता भी नहीं है। वही बोला गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कि रिप्लेस क्विकली,
लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिप्लेस स्लोली और डू नॉट रिप्लेस नेचुरली एट ऑल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एयर। एयर को हमने भी जाना था, इसे एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, एयर इज मिक्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। एयर जो है वह बहुत सारे गैसों का जो है, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, अदर, इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। जैसी कि बताई गई है कि रिस्पिरेशन के समय लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह ऑक्सीजन का यूज़ करता है, वह और वह ऑक्सीजन को वह जो है अपने ग्लूकोज को तोड़ने में, और जब ग्लूकोज टूटती है तो वह एनर्जी प्रोवाइड करती है। दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस ड्यूरेशन जो है, ठीक है, हमारी बॉडी से आवर बॉडी रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड। उस समय जो हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, बहुत सारे फ्यूल्स हैं, सपोज दैट कोल, पेट्रोल, केरोसिन, वुड एटसेट्रा, ये सब को जब बर्निंग की जाती है, जलाई जाती है फ्यूल्स को, ठीक है, तो ऑक्सीजन का यूज करके ही वो जलता है, और उस ड्यूरेशन जो है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उस समय वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब कहता है कि जब फोटोसिंथेसिस के समय ग्रीन प्लांट्स यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, और यूज करके जो है सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है, और वह ग्लूकोज बनाता है बॉडी में। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और उस ड्यूरेशन जो है प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। यह बताई गई है कि यही प्रोसेस के कारण इस प्रकृति में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है ये दोनों का मेंटेनेंस होता रहता है, यानी दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। ओके, आपको समझ में आ, देखिए यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए हम बताना चाहते हैं, दिस इज प्लांट रिलीज ऑफ O2, रिलीज ऑफ O2। दिस इज एनिमल्स, काउ इज एनिमल्स, काउ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 रिलीज ऑफ एनिमल्स, द CO2 यूटिलाइज ऑफ द ऑल ग्रीन प्लांट ड्यूरेशन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस ड्यूरेशन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट, ऑक्सीजन गैस टू प्लांट, और उस समय फोटोसिंथेसिस के समय ही ये प्लांट जो है ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक साइकिल बनती है, ठीक है, जो आगे हम टॉपिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ पे, तो ये प्रोसेस हमेशा इस नेचर प्रकृति में चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ गैस एंड एयर। देखो अब हमने पहले ही पढ़े थे कि हमारे इस एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंस हैं, तो उसी को हम यहाँ जानेंगे कि कंपोजिशन ऑफ गैस इन एयर। नाइट्रोजन जो ग्रीन दिखाई दे रही है, नाइट्रोजन है, 78.08%, यानी इसको कहीं बुक में आपको दिखेगा 79% भी पूरा एक्यूरेट दिखाई जाती है। ऑक्सीजन शो कर रहा है 20.95%, लेकिन एक्चुअली बुक में आपको शो करेगा कहीं एक्यूरेट यही है, लेकिन उसको जो है राउंड ऑफ में कर दिया गया है 21%। ऑर्गन शो कर रहा है 0.93%, लेकिन आपको कहीं बुक में ये भी दिखेगा 1% ये शो करेगा। फिर देख रहे हैं ज़ेनॉन 0.00009%, नियॉन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.00005%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। एक्चुअली देखिए बुक में कभी कभी होता क्या है कि आपको दे दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट जो है एटमॉस्फेयर में कितनी है, तो आपको मिलेगा वहाँ 0.033%, लेकिन एक्चुअली में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0.038% है, तो कभी इसको ये आपको दिखाई देगा 0.04% भी आपको शो करेगा, लेकिन एक्चुअली बुक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है अगर न्यू वर्जन में अगर पूछ 0.038% हो तो दिस इज़ करेक्ट, अगर ये नहीं होती है तो 0.033% इज़ द करेक्ट। ओके, तो दिस डायग्राम इज़ द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर कवर्स इन द अर्थ लाइन द ब्लैंकेट, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो स्लो डाउन इन द स्कैप ऑफ हीट ड्यूरिंग द नाइट, सो द एटमोसफेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड थ्रू आउट द ईयर। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसा टॉपिक में शो कर रहा है द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे इस एटमॉस्फेयर का रोल क्लाइमेट कंट्रोल में कैसे है। देखो होता क्या है, दिन में गर्मी लगती है, रात में ठंडी लगती है, ठीक है, तो क्यों होती है ये, इसी के बारे में यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। कि जैसे हमने बताया भी कि द एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक द ब्लैंकेट, जैसे हम लोग समझते हैं ना हमारे अर्थ जो है एक टोकरी के समान है और उस पर कवर चढ़ा हुआ है, तो कवर किसकी है भाई, तो कवर जो है एयर की है। एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है वह हीट का बैड है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये इससे हीट जो है पूरी तरह से एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर पाता है। इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, इसी के कारण जो है, ठीक है, दिन में जो है टेम्परेचर इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, एंड ऑल्सो स्लो डाउन इन द स्कैप ऑफ द हीट ड्यूरिंग द नाइट, और रात में जो है टेम्परेचर जो है स्लो हो चली जा रही, यानी स्लो डाउन होती जाती है, घटती चली जाती है, ठीक है। So the atmosphere keeps the average atmosphere of the earth fairly steady during the day and throughout the year. और इसके कारण जो है रातों में ठंडी लगती है और दिन में गर्मी लगती है।
ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं द मोमेंट ऑफ एयर बेंड्स, ठीक है, यानी हवा जो है क्या वह एक ही जगह पे है या फिर फ्लो कर रही है या वो बह रही है, यह मोमेंट कर रही है। चलिए इसी के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं कि व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट राइज अप एंड प्रोड्यूस लो प्रेशर एंड कूल एयर मूव इन द टू टेक इट्स प्लेस द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज बेंड्स। देखो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब एयर गर्म होती है, ठीक है, जब एयर जो है हीटेड होती है, जैसा कि यहाँ बोला है गेट्स हीटेड इट राइज अप इन द प्रोड्यूस द लो प्रेशर एंड कूल, जैसे देखो तो गर्म होने से क्या है उसका डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, तो डेंसिटी लो होने के कारण जो है वो गर्म हवाएं ऊपर की ओर, ठीक है, वह एयर में ऊपर की ओर जाने लगती है, तो उसे फिल करने के लिए कूल एयर जिसका डेंसिटी हाई होती है उसे फिल करना चाहता है, जिसके कारण यह एक प्रोसेस बनती है और एयर क्या होती है मूव्स करती है। तो यही बोला है व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट राइज अप इन द प्रोड्यूस लो प्रेशर एंड कूल एयर मूव्स इन द टेक इट्स प्लेस द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज विंड्स, जिसके कारण हवा बहती है। ड्यूरिंग द डे इन द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन इन द सी सो द हॉट एयर अबव द लैंड राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द नाइट सी कूल डाउन स्लोली दैन इन द लैंड सो द हॉट एयर अबव इन द सी राइज अप ऑन द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टवर्ड द सी। देखो आपने क्लास लो क्लास में स्टडी किया होगा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में, ठीक है, याद होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। देखो तो यहाँ पर जैसे कि बताई गई है कि गर्म हवा जो होती है, यहाँ पर देखो डायग्राम में हम दिखाना चाहते हैं वार्म एयर है गर्म हवा और ये कूल एयर है, ठीक है, ये वार्म एयर और ये कूल एयर, तो ये शो किया जा रहा है डे टाइम का, कब का डे टाइम का। तो डे में क्या होती है, डे में जब हम बात करते हैं कि वार्म एयर ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, तो कूल एयर जो है यहाँ से फिल करने के लिए दौड़ेगी, जिसके कारण एक पथ बनेगी, क्या बनेगी, पथ बनेगी, ठीक है, और इसके कारण हवा बहती रहती है। नाइट में वही बात होती है, नाइट में क्या होती है गर्म हवा जो होती है तो ऊपर की ओर इस तरह से जाती है, तो कूल एयर उसे बाहर से फील करने के लिए पहुंचती है, तो जिसके कारण ये हमेशा आवर नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है हमेशा रेगुलरली ये कंटिन्यूसली होती रहती है, जिसके कारण हवाएं बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोमेंट ऑफ एयर, ठीक है, हमने वही चीज़ें भी बताई थी कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी लेवल एंड एयर प्रेजेंस डाइवर्स टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर फेनोमेना ऑकर्स सच ए ब्रीज विंड स्टॉर्म थंडरस्टॉर्म मॉनसून एयर साइक्लोन एटसेट्रा वेरियस फैक्टर कंट्रोलिंग दिस द फेनोमेना आर। अब इसको देखिए क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट अनवीन हीटिंग ऑफ लैंड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, सेकेंड डिफरेंट इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज, थर्ड वेपोराइजेशन एंड कॉन्टेनेशन ऑफ वाटर वेपर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, प्रेजेंस ऑफ नाइट हाई माउंटेन रेंज इन द पथ ऑफ बेंड्स, डिफरेंस इन टॉपोग्राफी ओवर विच द विंड पैसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं रेन का, वर्षा, ठीक है, रेन। तो चलिए आज हम रेन की बात कर लेते हैं। व्हेन
Water bodies are heated during the day and large amount of water evaporates and rise up. Some water vapor also get into the atmosphere due to biological activities like transpiration. As the water vapors rise, it cool and condense to form tiny droplet of the water. This appear in the cold clouds. When the tiny droplet of water join together to form bigger droplet of water, they fall down in the rain slope. हाई, अब देखिए यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि बारिश क्यों होती है. यहाँ पर बारिश का जो टॉपिक्स दिया है वर्षा, रैन, तो ये क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में आपको हम आया डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं. देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे. होता क्या है, जब गर्मी पड़ती है तो जितने भी वाटर बॉडीज है वो गर्म होती है दिन में. अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड राइज अप. दिन में गर्म होने के कारण उसका वाटर जो है इवेपोरेट्स होती है, गर्म होकर भाप बनता है और भाप ऊपर की ओर उड़ने लगता है. एट राइज अप, ऊपर की ओर उठने लगता है. सम वाटर वेपर ऑल्सो गेट इन टू द एटमोसफेयर ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपिरेशन. उसके बाद क्या होती है कि एज द वाटर वेपर राइज इट कूल एंड कंडेंसिंग टू फ्रॉम टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. तो जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स जो होती है ऊपर की ओर उठती जाती है, ठीक है, तो वह ठंडी होती जाती है. ठीक है, ठंडी होने के कारण वो छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू करते हैं और ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये कंडेंसेंस होने के कारण ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं. ठीक है, तो दिस अपीयर्स ए क्लाउड्स, और वहीं क्या बनते हैं, बादल बनते हैं छोटे छोटे. यहाँ से जो धरती से, समुद्र से, आई थिंक बहुत सारे जगहों से छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, कंडेंसेंट होते हैं ऊपर जा कर के. ठीक है, और छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और ये स्टोर होते जाते हैं, स्टोर होते और एक बहुत बड़े क्लाउड्स का यहाँ पर क्लाउड्स बनाते हैं. When the teeny droplets of water join together to form bigger droplet of water, और छोटे छोटे जो droplet बने हैं, ठीक है, वह आपस में क्या होने लगते हैं, मिलने लगते हैं. ठीक है, मिलने के कारण छोटे droplets attract to another droplets, तो जिसके कारण एक bigger droplets of the water, ठीक है, एक जल की बड़ी बूंद का बनाता है. ठीक है, दे फॉल डाउन, और वहीं ऊपर से क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, जिसे हम कहते हैं बारिश. तो समझ में आ गई होगी कि बारिश होता कैसे. जैसे एक डायग्राम यहाँ पर जो शो कर रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ. ठीक है, देखो ये वाटर बॉडीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडी. यहाँ से सूर्य है, सन है, जिसकी गर्मी पा करके जो है ये जो है आपका गर्म होकर के ये इवेपोरेट हो रहा है और ऊपर जा रहा है. ठीक है, देख पा रहे हैं आप. ठीक है, तो गर्म होने से क्या हो, ऊपर जैसे जैसे ये जाती है, ये जैसे जैसे ये जाती है ऊपर की ओर, ठीक है, तो ठंडी होती जाती है, कूल होता जाता है. ठीक है, कूल होने के कारण जो है इसका कंडेंसेंट होने लगता है, जल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाने लगते हैं या फिर जाकर के ऊपर में. ठीक है, और ये पूरी इस तरह से बनाने लगते हैं. ठीक है, और छोटी छोटी जो होती है वह धीरे 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 अट्रैक्ट करेगी, जैसे मैं बताना चाहता हूँ. ये छोटी छोटी जो है जल की बूंदे जो रहेगी वो अट्रैक्ट करके एक क्लाउड का बना लेता है और फिर भारी होने के कारण जो है यहाँ से गिरना वो शुरू, फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से इसे हम कहते हैं वर्षा. ठीक है, आई होप आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो आगे की आप पढ़ भी लीजिएगा जिससे आपको आने कोई प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू.